हाँ तो हम किस में थे अपने? स्पीड, टाइम और डिस्टेंस पे है ना। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, STD। आया समझ में? चाल, समय और दूरी। ठीक है। तो आज हमारी क्लास सेकंड है। कल हमने देखा था कि एवरेज स्पीड पे थे हम, और हमने पर्टिकुलर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन देखा था जहाँ पे हमारे दो चीज़ें बन रही थी। आए समझ में? अब मान लो दो ना बने, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने ये डिस्टेंस कांस्टेंट वाला केस भी देखा था कि जब दोनों डिस्टेंस सेम हो। अब मान लो कुछ भी सेम ना हो, ठीक है। क्या हो? कुछ भी सेम ना हो और दो या दो से ज़्यादा अलग अलग पार्ट्स की बात कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक एक्स डिस्टेंस चला टी वन टाइम में, ठीक, या एस वन से चला टी वन टाइम में, फिर एस टू से चला टी टू टाइम में, है ना। ये डिस्टेंस भी अलग अलग है। फिर चला एस थ्री, चला किससे? टी थ्री टाइम में, और सो एन एंड सो फोर्थ। आया समझ में? एन टाइम चला। तो मेरा डी वन किसको करस्पॉन्ड करेगा? एस वन इंटू टी वन को करस्पॉन्ड करेगा। डी टू किसको करस्पॉन्ड करेगा? एस टू इंटू टी टू। और डी थ्री किसको करस्पॉन्ड करेगा? और डी एन किसको करस्पॉन्ड करेगा? एस एन इंटू, अभी कुछ भी हो सकते हैं ना, जरूरी नहीं कि अपन ने वो दो स्पेशल वाला केस किया था जहां एन बराबर दो था, है ना। आया समझ में? तो इसमें क्या होगा? अल्टीमेटली एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो वही रहेगा कि भैया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक। और यहाँ पे क्या? डिस्टेंस। आया समझ में? अब टोटल डिस्टेंस क्या है भैया यहाँ पे? डी वन प्लस डी टू प्लस, है ना। और ये कहाँ तक? और टाइम कितना है टोटल? और ये कहाँ तक? टी एन तक। आया समझ में? तो बस हमको ये फॉर्मूला उसमें लगाना है, ठीक। डी वन मतलब क्या हो जाएगा? एस वन टी वन यहाँ पे रख देंगे, डी टू रख देंगे एस टू टी टू, और ये और वो। आया समझ में? ठीक है। तो इस पे अपन क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक। ठीक है, हम PDF खोल लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे। किस पे? रिलेटिविटी के कंसेप्ट पे, या रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट पे। आया समझ में? चलो, जैसे हमारा ये पहला सवाल है, देखो सवाल क्या बोल रहा है कि अपनी यात्रा का एक भाग के रूप में एक व्यक्ति अपनी यात्रा के एक भाग में एक व्यक्ति कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना किलोमीटर चलता है? 120 किलोमीटर चलता है। अगले 100 किलोमीटर की यात्रा वो किससे करता है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा से। आया समझ में? तो मुझे ये बताना है कि 75 किलोमीटर की घंटा से वो प्रारंभिक बिंदु से वापस भी आता है। मतलब यहाँ पे तीन चीजें हो रही हैं। पहले एक बार गया क्या 80 से 120, फिर गया 40 से 100, और फिर गया 75 किलोमीटर, हाँ वापस आया, है ना। मतलब टोटल डिस्टेंस उसने 100 और 120, 100 और 120, 220 कवर किया। आया समझे? वापस आते समय तो उसकी क्या बताना है? एवरेज स्पीड बताना है। तो सवाल देखो ये बोल रहा है कि ये देखो एक पॉइंट है, ये मेरा मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये क्या है? एक आदमी यहां से यहां गया, इसमें एस कितनी थी? 120 थी, और टाइम कितना था? सॉरी, 120 किलोमीटर की दूरी थी, तो ये डी हुआ, सॉरी, है ना। यहां पे मेरा डी बराबर क्या है? 120 किलोमीटर, बोलो हाँ या ना। ये मेरा डी वन है, और S1 कितना है? 80 किलोमीटर पर आवर।
तो क्या ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे टाइम जो है वो 1.5 घंटा लगेगा? कैसे आएगा 120/80? आया समझ में? टाइम कितना लगेगा? 1.5 घंटा। ये D2 जो है ये कितना है? 100 किलोमीटर है, बोलो हाँ या ना। और यहाँ पे S कितना है? 40 km/h है। तो क्या यहाँ पे टाइम जो है वो समझ में आ रहा है कि 2.5 घंटा लगेगा? कैसे लगेगा? 100/40 से। आया समझ में? यहाँ पे समय कैसे आया? 120/80 से। ठीक, बोलो। अब उसने यहाँ सी से फिर थर्ड टाइम पे वापस आया, कितने की स्पीड से? 75 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, और इसने टोटल जो D3 डिस्टेंस है वो कितना कवर किया? ये 120 और ये 100, मतलब क्या 220 किया? कितने की स्पीड से किया? हाँ, कितने की स्पीड से किया? तो ये मेरा T3 आ जाएगा, है ना। 5 से काटूंगा, 5 से कितनी बार जाएगा? ये 15 बार। ये कितनी बार जाएगा? 44 बार। आया समझ में? तो अल्टीमेटली ये क्या हुआ? 15 × 30, 14/15। ठीक, कोई समस्या? इतने घंटे, है ना। आया समझ में? अब कहने का मतलब ये है कि अल्टीमेटली अगर मुझे एस एवरेज निकालना है तो वो क्या होगा? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या हुआ? देखो, यहां से यहां तक 100, फिर 120 और 100, 220, और 220 और 220 कितना चला? 440। कितना टोटल टाइम लगा? ये 1.5 और ये 2.5 मिलके क्या ये 4 घंटे हो गए, और प्लस ये वाला 2, 14/15। ठीक, अब इसको कैलकुलेट मत करो ना, 2.93 यही रहने दो। आया समझ में? या एक काम करो, इसको ना वो रहने दो, 44/15 ही रहने दो, उससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। कितना? 44/15। यहाँ एलसीएम क्या आएगा? 15, तो ये हो जाएगा 60, 60 और वो कितना बनेगा? 104। अल्टीमेटली ये बना 440/104, और ये 15 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, अब इसको कैलकुलेट करेंगे। देखो, ये अगर मैं इसका 4 गुना जाता हूँ, देखो इधर सब, अगर मैं इसका 4 गुना जाता हूँ तो ये 416 के अप्रोक्स आएगा ऑलमोस्ट, है ना। और 5 गुना जाऊंगा तो क्या जाएगा? 520 आ जाएगा। ठीक है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, इसके 4 गुना से काटता हूँ, ये कितना बचा? 416। और 416 बचा, रिमाइंडर क्या बचा? यहाँ पे 40 में से 16 गया तो 24, 24 बचा। मैंने पॉइंट लगा दिया तो 240 हो गया। तो इसका 2 गुना कितना होगा? 208। तो कुल मिला के अप्रोक्सीमेटली 4.2 हुआ। और 4.2 को अगर मैं इससे करूंगा तो ये क्या बनेगा? 15 × 60, और 15 × 0.2 मतलब 3, बोलो हाँ, है ना। तो ये क्या बनेगा? 60.3 आवर्स, किलोमीटर पर आवर, है ना। सिक्स तो किसमें आ रहा? 0.3 के अप्रोक्स में इसमें आ रहा है, इसलिए मैं ऑप्शन नंबर क्या लगाऊंगा? मैंने अप्रोक्सीमेट किया है ना, पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं किया है, ये बात ध्यान रखना। ठीक, तो किसके आसपास ऑप्शन आ रहा है? 63 पॉइंट, अच्छा इसमें 60 पॉइंट तो है ही नहीं, कुछ मैंने गड़बड़ करी क्या कैलकुलेट में? एक बार 440, 2 मिनट रुको, 440 और 104, ये 4 गुना करूंगा तो 416 आया, यहाँ बचा 4 और यहाँ बचा 2, मैंने पॉइंट लगाया 240 आया, ये 2 गुना हुआ कितना? 208। तो यहाँ पे क्या बना? 32 बना। और फोर पॉइंट टू इंटू 15 अगर मैं करूँगा तो ये 60 आएगा। अरे हाँ यार भाई, देख मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आया? 60। अब 15 × 30 होता है, पॉइंट करूंगा तो प्लस 3 ऐड होगा ना, तो ये कितना बनेगा? 63 के अप्रोक्स आएगा। एक ही ऑप्शन है, वो ये है। आया समझ में? ठीक, तो हमको एग्जैक्ट कैलकुलेशन हमेशा नहीं करना है, ये बात समझ में आ रही है? अप्रोक्सीमेट, हाँ। मतलब देखो, इसके बाद मैंने इसको दो, एक डेसिमल के बाद
एक डिजिट तक रोक दिया, इसके बाद नहीं कैलकुलेट किया, है ना, 4.2 तक, तो उससे मेरे को ये पता चल गया कि ये ओवरऑल वैल्यू किसके आसपास आएगी, और उसमें 63 के आसपास आ रही है। आ रहा समझ में? ठीक, आगे बढ़े, सेकंड वाला देखते हैं। करो, चले आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड करो। क्या बोल रहा है? जहांगीर हैड टू कवर अ डिस्टेंस, को एक घंटे में कितना किलोमीटर कवर करना है? 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, बोलो हाँ या ना। 25 मिनट के दौरान उसने कितना किया? 15.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा की। ठीक है, आया समझ में? देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भैया एक डिस्टेंस है कितना, हाँ 90 किलोमीटर, और एक्चुअल में उसको समय कितना लगना चाहिए? एक घंटा। आया समझ में? बोलो। अब यहाँ पे उसने पहले 25 मिनट में वो क्या किया, उसने कितने की स्पीड से चला, सॉरी मीटर पर सेकंड में दिया ना ये, बोलो हाँ है ना, मीटर पर सेकंड से चला, और कितने मिनट चला? 25 मिनट तक चला। आया समझ में? तो ये जो बाकी बचा डिस्टेंस है, ठीक, ये कितने की स्पीड से करे ताकि ये जो है वो एक घंटे में टोटल टाइम कवर हो जाए। ये बात समझ में आ रही है? बोलो। हाँ, इसका मतलब अब एक पहले हम ये सोचते हैं कि मान लो अगर ये 25 मिनट यहाँ पे चला, क्या मैं 90 को मीटर पर सेकंड में कर सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पे क्या है, मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे भी मिनट्स में चल रहा है, तो मेरे को किलोमीटर पर आवर से, यहाँ पे स्पीड आई कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर आई है। किसी को कोई समस्या? तो अगर मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि भैया ये मेरी एस एवरेज है, उसमें एक ये है और दूसरी वाली S2 मुझे निकालनी है, और उसका टाइम कितना रहेगा भैया, 25 में से 60 में से 25 घटा दो। ये बात समझ में आ रही है क्या? तो अल्टीमेटली यहाँ पे S एवरेज जो है वो क्या आई है, 90 किलोमीटर पर आवर। अब पर आवर से मुझे कहाँ पे जाना है, मीटर पर सेकंड, मतलब छोटी यूनिट में जाना है, तो क्या मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये गया कितना 5, तो अल्टीमेटली कितना आ गया, 25 मीटर पर सेकंड से उसको चलना चाहिए था, चला वो कितने से। अब क्वेश्चन ये बन गया कि ये आपकी एवरेज स्पीड है, बोलो आए ना, ये चला, ये एवरेज स्पीड आपकी आई है 25 मीटर पर सेकंड, एक आपकी एवरेज स्पीड है कितनी, 15.2 मीटर पर सेकंड। अब देखो एवरेज इससे बहुत ज्यादा है, तो ये जो एवरेज होगा ये बड़ी वाली के साइड होगा, ये जो स्पीड आएगी ये ज्यादा आएगी। आया समझ में? ये मेरा क्या है, S2 है, इसने चला कितना, 25 मिनट, मतलब कितने सेकंड्स, या चलो 25 मिनट चला, अल्टीमेटली तो हमको रेशियो ही लेना है, 25 मिनट चला और ये कितना चला। आया समझ में? तो क्या मैं इस रेशियो को 5:7 बोल सकता हूँ, बोलो हाँ या ना। ठीक, तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या बताएगा, और ये जो डिस्टेंस है ये क्या बताएगा, 5। ये बात समझ में आ रही है? अब ये जो 7 यूनिट बराबर है ये कितना है, 9.8 है। ये सबको समझ में आ रहा है भाई? अगर यहाँ 15 होता तो ये 10 होता, लेकिन ये पॉइंट ज्यादा है 2, तो क्या ये 9.8 है? तो ये जो 5 है, 5 बराबर क्या होगा, 9.8/7 × 5 होगा। ठीक, किसी भी नंबर को अगर मुझे मल्टीप्लाई बाय 5 करना है तो क्या करूंगा, इसका आधा करूंगा, इसका आधा क्या होगा, 4.6, हाँ, और एक जीरो लगा दूंगा, अल्टीमेटली ये क्या बनेगा, 46 बनेगा। बोलो क्या बना, 46 बना, और डिवाइड बाय क्या करना है, 7 बना। अब क्या ये 6 4/7 लिख सकता हूँ, कोई समस्या?
क्या? 70? और हाँ ठीक है ठीक है, तो एग्जैक्टली कट रहा है। तो मैंने क्या गलती कर दी, ये 9.8, अच्छा 4.9 होगा, हाँ समझ गया। ठीक, ये कट जाएगा डायरेक्ट कितना, 14 टाइम्स है ना, मतलब 1.4 टाइम्स कट जाएगा। तो 5 यूनिट बराबर क्या आएगा, 5 और 5 चौको 20, मतलब 0.2, 5.2 आ रहा है, हाँ मतलब 7 आएगा। कुल मिला के मुझे ये करना है, तो ये कितना आया, 7 आया। ठीक, तो अल्टीमेटली ये स्पीड कितनी थी, 25। अब मुझे इसमें कितना और ऐड करना है, 7, तो ये स्पीड कितनी होगी, आंसर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर सी। हमने कैसे एलिगेशन का इस्तेमाल किया, ये बात समझ में आ रही है। अब क्वेश्चन को कैसे कन्वर्ट कर लिया किसमें, मतलब इसमें एवरेज स्पीड में, ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, ठीक लिखना है, ये हो गया। चलो थर्ड वाला देखो। थर्ड ये वाला मिटा दूं पूरा, है ना? चलो जल्दी कर लो, फिर अपन रिलेटिव स्पीड आज खत्म करना है अपन को। चलो मैं बता रहा हूँ, इधर देखो, क्वेश्चन ही बोल रहा है एक आदमी कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, और वो प्रत्येक किलोमीटर के बाद कितने मिनट का ब्रेक लेता है, 7 मिनट का ब्रेक लेता है, ये बात समझ में आ रही है। अब ये बताओ कि 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। मान लो ये अगर ब्रेक नहीं लेता, लगातार 14 14 14 से जा रहा होता, तो स्पीड उसकी है कितनी, 14 किलोमीटर, मतलब वो 1 घंटे में कितने किलोमीटर करेगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि भैया 7 किलोमीटर की दूरी वो आधे घंटे में करेगा, आधे घंटा मतलब कितना। अब ये 30 मिनट तो उसको ये कवर करने में लग गए, लेकिन इसने ये जो 7 गैप बने, 7 किलोमीटर उसने क्या किया, एक एक के गैप में किया, पहला एक चला, फिर दूसरा एक चला, फिर तीसरा चला, फिर मतलब 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ये 6 हो गया और ये 7। तो अल्टीमेटली इसमें गैप कितने बने, 1 2 3 4 5, 6 गैप बने। इन 6 गैप में उसने समय कितना व्यतीत किया, 7 7 मिनट किया, मतलब उसने 42 मिनट सिर्फ रेस्ट किया है। आया समझ में? तो क्या यहां से मेरा आंसर आ गया क्या, 60, 1 घंटा 12 मिनट, 1 घंटा 12 मिनट, मतलब आंसर क्या होगा, 1 1/5। देखो हमेशा जो भी, जैसे मान लो मेरे को किसी एक ये चीज है, मेरे को अगर इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है ना, मान लो मेरे को एक मेरे पास लेंथ है, क्या है, 100 किलोमीटर की। ठीक, मेरे को इसको 4 बराबर भागों में बांटना है। बोलो आ रहा समझ में, 4 बराबर भागों में, मतलब एक भाग ये है, एक भाग ये है, और दूसरा भाग ये है। ठीक है, अब मेरे जो एक्चुअल पॉइंट्स बन रहा है, अगर यहां से यहां तक देखूं तो 1 2 3 4 5, लेकिन मेरे जो गैप्स बनेंगे वो एक कम बनेगा, हमेशा ये होगा, गैप जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक कम बनेगा। आया समझ में? अब ये होता क्यों है, देखो उसमें क्या होता है, हम ये वाले पॉइंट को नहीं कंसिडर करते, हम फर्स्ट पॉइंट यही कंसिडर करेंगे, लेकिन इस केस में ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, इसलिए मुझे इसको लेना पड़ेगा, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? तो यहां पे मेरे 7 तो बन गए, अल्टीमेटली 7 किलोमीटर चलना था। ये 0 से इसने स्टार्ट किया, ये पहला चला 1, यहां खड़ा था वो और फाइनल था, तो अल्टीमेटली मुझे इनिशियल और फाइनल दोनों को देखना पड़ेगा भाई, डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन इनके बीच का गैप कितना बनेगा, इसमें से 1 माइनस। हाँ ठीक, आप इसको ऐसा भी सोच सकते हो
मतलब इसको ये सब जो मैंने लिखा है आप सीधा ये सोच सकते थे, भैया चलना कितना था, सीधा आधा घंटा ये लगा, बोलो हाँ या ना। उसके बाद अगर 7 किलोमीटर चला तो गैप कितने बनेंगे, मतलब 6 बार रुका होगा, क्योंकि आखिरी वाले में पहुंचने के बाद उसने रेस्ट नहीं लिया, क्योंकि वो तो डेस्टिनेशन पे पहुंच गया भाई। पहली बार रुका, दूसरी बार रुका, तीसरी बार रुका, चौथी बार रुका, अब चौथी के बाद भी पांचवी बार जाना है, पांचवी के बाद भी छठी बार जाना है, और छठी के बाद भी, तो अल्टीमेटली रुका तो 6 बार ना, क्योंकि 7 किलोमीटर के बाद आगे जाना ही नहीं था। आया समझ में? तो आंसर क्या होगा उसमें, कितना लगा 6 गैप्स में, 42 मिनट। आ रहा है समझ में? अभी मैं पूरे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, अपन जब क्वेश्चन की वो होगी एक, बस वो दे रहा हूं कि जो हमने पढ़ा है उसको लगाना कैसे है ना। अभी इसमें बहुत थ्योरी बाकी है। ये कौन सा था, थर्ड था ना, फोर्थ। देखो क्या बोल रहा है, अ पार्ट ऑफ जनरी इज कवर्ड इन, किसी यात्रा के एक भाग को 90 प्रति किलोमीटर घंटा की चाल से कितने मिनट में कवर किया, और शेष भाग को क्या किया, हाँ चाल से 14 मिनट में तय किया जाता है, तो यात्रा की कुल दूरी कितनी है। ये बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो देखो अल्टीमेटली मेरा जो स्पीड बराबर क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो जो मेरा D1 बताएगा वो क्या बताएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब अभी हमने निकाला था मीटर पर सेकंड में कितना आया था, 25 आया था, ठीक, इंटू 37.5 मिनट, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, 60 सेकेंड्स में, तो ये 37.5 क्या करना पड़ेगा, 60, और D2 जो आएगा वो क्या आएगा, 80, फिर से वो मैं क्या करूंगा, 18/5 करूंगा, तो 40 चला जाएगा, 18 चौको 56, 2 मिनट, हाँ 80 से मुझे कहाँ जाना है, 18/5 जाना है, नहीं सॉरी 5/18 जाना है, 5/18 जाना है, ठीक, तो 2 से काटूंगा तो ये कितना जाएगा, 40, ये जाएगा कितना, 9। आया समझ में? तो अल्टीमेटली ये बना कितना, 200/9 बना है ना, 200/9 बना, और कितने मिनट में किया और किससे किया, अब काट लो इसको 3 से, ये 3 टाइम्स चला जाएगा, ये 20 चला जाएगा, ठीक। आ रहा है समझ में? अब यहाँ पे ये कितना बनेगा, ये 6 को भूल जाओ, मतलब ये 0 हटा दो, इसको 335 मान लो और ये हटा दो, ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। हमको किलोमीटर में बताना है आंसर है ना, तो इसलिए आखिरी में हमको डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। हाँ स्पीड इंटू टाइम ही तो किया, डिस्टेंस बराबर क्या आएगा, स्पीड इंटू टाइम। ये बात समझ में आ रही है? हाँ ठीक है, 1 मिनट। हाँ और अगर तो उसने कुल दूरी कितनी तय करी, इसमें कुछ कर रहे हो तुम लोग कैलकुलेट की, मैं करके बताऊं, हो गया।
12, पीछे आंसर मिला लो, यही है क्या? हम्म, बोलो आया? जी कैलकुलेटर यूज नहीं करो, क्योंकि वहां एग्जाम में खुद से ही करना है। अभी मैं इसका एक दूसरा तरीका भी बताता हूँ शॉर्ट वाला, लेकिन पहले करो इसको, इससे कितना आंसर आ रहा है ये बताओ। आ रहा है? ठीक है, अब देखो पीछे आंसर वही है, सही होगा, अभी मैंने भी कैलकुलेट नहीं किया। अब देखो इधर, क्या इसको देख के सवाल को कुछ याद आया जो हमने कल पढ़ा था? क्या ये दो हिस्सों की बात कर रहा है? कर रहा है। अल्टीमेटली मेरे पास केस ये बन रहा है कि भैया एक हिस्सा ये है, ये मान लो पॉइंट ए है, ये बी है और सी है। ए से बी में उसकी रफ्तार क्या है? 90 km/h है, बोलो हाँ या ना? हाँ। और बी से ए में यहाँ पे कितनी रफ्तार है? ठीक है ना, क्या दो हिस्सों की बात कर रहा है? अगर मैं इन दोनों की एवरेज स्पीड निकाल लूँ, ठीक है, एवरेज स्पीड, और इन लोगों का टाइम क्या है, ये कितना ले रहा है, ये कितना ले रहा है, 14 मिनट। अगर मैं एवरेज स्पीड निकाल लूं तो मेरे को टोटल टाइम मालूम है कि भैया इस टाइम कितना लगा, इन दोनों का जोड़ कितना लगा है, 51.5 मिनट्स लगा है। आ रहा है समझ में? अगर मैं एवरेज निकाल लूं तो फिर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा टाइम से, तो मेरा डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन क्या बन गया अब ये, कि भैया मेरे पास ये है स्पीड्स, आया समझ में? अच्छा, और डिस्टेंस मुझे अभी मालूम नहीं है कि क्या है, डिस्टेंस का रेशियो है ना, और यहाँ पे ये जो है ये 90 है, 1 मिनट, हाँ, और ये है, सॉरी, ये है 80 और ये कितना है, 90 है। 80 वाले ने 14 चला, इसने क्या चला? ठीक, इन दोनों को मुझे मिलाना है। ठीक, और जो टाइम का रेशियो है वो ये है, यहाँ कहीं एवरेज आएगा। ठीक, तो कुल मिला के ये जो डिस्टेंस है, मतलब कितना, इन दोनों को माइनस करो 37, क्या 13.5 आएगा? ये बराबर क्या है, 10 के, है ना? तो 1 यूनिट बराबर क्या आया, 10/13.5 आया। तो मेरा ये जो डिस्टेंस है ये क्या, हाँ, 23, ठीक, 23.5। तो ये जो डिस्टेंस है,
ऐसे में और कठिन हो रहा है यार, यही ज्यादा सही है रहने, छोड़ो। नब्बे और अस्सी को जोड़ इसलिए नहीं सकते क्योंकि ये प्रति घंटे की बात कर रहा है। इसका मतलब यह है कि एक घंटे में तुम ये मान रहे हो कि उसने 80 चला और इसने 90 चला, पर चला एक्चुअल में कितना है? एक चला 37 मिनट्स और एक क्या चला? दोनों को अलग अलग करके है ना? ठीक, तो यही ज्यादा बेटर तरीका है। चलो आ गया समझ में, चलो ये ज्यादा बेटर है। कैलकुलेशन में बताऊं कैसे आसान बनाना है, यहाँ पे है 90 किलोमीटर, मतलब 90 इंटू मुझे क्या करना है, 5/18 करना है, फिर उसके बाद कितने मिनट चला तो इसको इंटू 60 करना है, ठीक है, और प्लस मुझे क्या करना है, 80 इंटू 5/18 करना है ना, और फिर यहाँ पे क्या करना है, इंटू 14 इंटू 60, आ रहा है समझ में? तो मैं क्या करूँगा, हाँ हाँ तो इसको हमने मीटर पर सेकंड में कर दिया ना, या तो इसको उसमें कर लो डिवाइड, हाँ तो डायरेक्ट किलोमीटर में करना है, तो ऐसा कर लो फिर, 90 इंटू 37.5/60, और ये क्या आएगा, प्लस 80 इंटू 14/60, 1/60 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, 375 इंटू 9, और यहाँ क्या बचेगा, 140 इंटू 8, है ना? अल्टीमेटली मुझे, मैं कैसे भी कर सकता हूँ, अब 140 का 2 गुना कितना होगा, 270, ए 280, 280 का 2 गुना कितना हुआ, 560, और 560 का 2 गुना कितना हुआ, 1120, तो ये मेरा कितना आ गया, 1100, ये 3750 में से 375 घटा दो, 3750 में से पहले 300 घटाओ, 450 हुआ, फिर क्या घटा दो, पहले 50 घटाओ, तो 450 के बाद 400 पहुंचे, फिर 25 घटा दो, तो क्या ये 3325 75 हुआ, आ रहा है समझ में? हाँ 3375 हुआ, फिर इन दोनों को ऐड करो, ये 5 बनाएगा, ये 9 बनाएगा, ये बनाएगा 4 और ये बनाएगा 4, बटे क्या करना है, 60, अब बटे 60 है मतलब नीचे 12 का एक फिगर आएगा, अब देखो ये कितने टाइम जा रहा है, 12 से काटो, ये 5 से काटो, 5 12 टाइम्स जाएगा, और 5 ये कितना जाएगा, 8 84 है ना, 5 8 40, यहाँ पे फिर 9 45, और फिर 9, तो अल्टीमेटली ये क्या बना, 899/12, अब देखो ये क्या, 8 7 7 84 होगा, है ना, 7 84 होगा, 84 के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, 59, तो क्या होगा, 4 48, तो 74 वाला आंसर होगा, ठीक है, तो हम इस कैलकुलेशन को ऐसे आसान बना सकते हैं। ठीक, सही है सही है। चलो पांचवा देखो, एक शताब्दी नाम की ट्रेन है, वो 5 घंटे में 700 किलोमीटर और 11 घंटे में अन्य, अब ये तो बहुत आसान है ना भैया, 11 घंटे में कितना किया इसने, और 1012 की दू, भैया 5 घंटे में उसने 700 किया और 11 घंटे में ये किया, तो टोटल समय उसको लग गया 12 घंटे, और उसने 1712 उसने चाल चली, तो 1712 क्या कर देंगे, बटे 12 घंटे, यही एवरेज स्पीड होगी, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, 5 और 11, सॉरी 16, क्या हो रहा है आज, 16 घंटे, ठीक, वो 5 और 7 दिखा, और यहाँ 1712, ठीक, अब नीचे 16 है, देखो इधर, इसको 16 से काटना है मुझे, 107, मतलब 1600 और उसके बाद 112, और 16 इंटू 12, 16 इंटू 7 क्या होगा, 70, और 7 6 42, हाँ ठीक है, 112, 107 आंसर होगा,
हाँ ये भी है, तो हम एक ही लगाएंगे, लेकिन एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया कितना, 107 से। आ रहा है समझ में? ठीक, वन टाइम जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, चलो अब अपन आते हैं नए कंसेप्ट पे, क्या है रिलेटिव स्पीड से। ठीक, अभी अपन और देखेंगे ये सारे सवाल। सब डालो क्या नाम, रिलेटिव। अच्छा, रिलेटिव स्पीड से कुछ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ। देखो, मैंने ये बोला था कल कि किलोमीटर पर आवर से अगर मुझे कहाँ जाना है, तो क्या मैं 1 किलोमीटर पर आवर को 5/18 मीटर पर सेकंड बोल सकता हूँ? तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि 5 मीटर पर सेकंड बराबर 18 किलोमीटर पर आवर होगा? ठीक, आ रहा है समझ में? अब ये चीज देखने का फायदा ये होगा कि सपोज आपकी यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में मान लो स्पीड है कितनी, 9। बोलो हाँ या ना, स्पीड कितनी है, 9। तो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ 2/2 है तो मतलब यहाँ पे भी 2/2, मतलब 2.5 हो जाएगी। यहाँ 18 है तो यहाँ कितना होगा, 5 होगा। यहाँ अगर 27 आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे 7.5 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो कुछ आप ये फिगर्स मतलब कर भी सकते हो कि भैया अगर ये 9 रहेगी तो इसमें, जैसे वहां पे 90 आया था, तो अगर 9/2.5 है तो 90/25 हुआ। आ रहा है समझ में? इसलिए सवाल में कुछ ऐसे फिगर्स रहेंगे जो आपको इजीली कैलकुलेशन, तो ज्यादा बेहतर है कि ऐसे अपन देख ले। जैसे ये अगर याद करें कि 18 बराबर क्या है, 5। आ रहा है समझ में? 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड। अब 18 या 9 का कोई भी मल्टीपल आएगा तो हम डायरेक्ट इस टेबल को यूज करके कर सकते हैं क्या, और हमारा समय बचेगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, 36 के बाद मान लो यहाँ पे 45 आ गया, तो क्या 12.5 आएगा, है ना? ये बात समझ में आ रहा है? 45 के बाद क्या आएगा, 54। 54 में क्या आएगा भाई, 18 का 3 गुना है तो यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, तो ऐसा भी सोच सकते हो करने के लिए। ठीक, अब डाल लो क्या, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट। अब रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट समझने से फायदा यह है कि हमारा बोट एंड स्ट्रीम कवर हो जाएगा, हमारा कवर हो जाएगा पुलिस एंड थीफ, ठीक है ना, केसेस। ठीक है, हमारा कवर हो जाएगा मतलब या तो सेम ट्रेन्स, हमारा क्या कवर हो जाएगा, ट्रेन्स हो जाएगा, है ना, और हमारा कवर हो जाएगा मतलब जैसे कोई कार है जो एक दूसरे की तरफ आ रही है, ये सारी चीजें, है ना। तो इसको मैं एक मिसलिनियस में डाल देता हूँ अल्टीमेटली। तो अगर हमने ये अच्छे से समझ लिया तो ये सारे टॉपिक का बेस यही है। फिर हम ये अलग अलग एक एक टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हमको पहले उसके लिए क्या समझना पड़ेगा, रिलेटिव स्पीड समझना पड़ेगा। अब रिलेटिव स्पीड से पहले मैं आप जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप सबको मालूम है कि अर्थ घूम रही है, बोलो हाँ है ना, किस एक्सिस के अराउंड? एक अर्थ ऐसे भी घूम रही है, ऐसे ऐसे, और अर्थ कैसे घूम रही है, हाँ मतलब अर्थ घूम रही है अल्टीमेटली, ऐसा समझो। अर्थ ऐसा घूम रही है मतलब खुद के एक्सिस के अराउंड भी घूम रही है और सूरज के अराउंड भी घूम रही है। अब मान लो हम यहाँ पे हैं, हम ये खड़े हैं, है ना, हम ये खड़े, हमको ये घुमाव महसूस क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम अर्थ के रेफरेंस में हम भी घूम रहे हैं। आ रहा है समझ में? अर्थ के रेफरेंस में, ये बात ध्यान रखना, अभी शब्द का मीनिंग समझ में आएगा। अर्थ के रेफरेंस में क्या हो रहा है, हम भी घूम रहे हैं। अब एक और केस समझो, हम ट्रेन में बैठते हैं, बोलो हाँ या ना, हम मान लो यहाँ पे ट्रेन में बैठे हैं और एक दूसरी ट्रेन हमारे सामने से ऐसा जा रही है, तो हम यहाँ उसको देख के ऐसा लगता है कि हम चल रहे हैं। आ रहा है समझ में? जब तक कि हमारी नजर ग्राउंड या किसी और आसपास की जगह पे नहीं पड़ती, है ना। मतलब क्या हो रहा है, मान लो हम यहाँ पे बैठे हैं और हम इसको देख रहे हैं और ये जा रही है, तो हमको लगता है कि हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। आ रहा है समझ में? कब तक लगेगा,
जब तक हमारी नजर यहाँ पे जो नीचे कोई भी ग्राउंड होगा, ये क्या होगा, ग्राउंड होगा, इस पे नहीं पड़ेगी, क्योंकि ग्राउंड के रेफरेंस में हम देख पाएंगे कि असली में हमारी ट्रेन चल रही है कि उसकी ट्रेन चल रही है। ये बात समझ में आई? जैसी हमारी ग्राउंड पे नजर पड़ेगी तो हमारे सामने वाला पॉइंट जस्ट हमारे सामने रहेगा, और जाते हुए क्या दिखेगा, सामने वाली ट्रेन का पहिया दिखेगा। तो ये रेफरेंस समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। यहाँ पे रेफरेंस क्या था, ग्राउंड था, और उसी ग्राउंड पे हम भी थे, और फिर हम इसको देख रहे थे किसको, लेकिन जब तक हमारी ग्राउंड पे नजर नहीं थी, जब तक हमारा रेफरेंस क्या था, हमारी सामने वाली ट्रेन, उसके मुकाबले हम पीछे जा रहे थे। ये बात समझ में आ रही है? हाँ, ठीक है, इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है, इसको समझो। अब यहाँ पे हमको क्यों नहीं महसूस हो रहा, क्योंकि अगर अर्थ घूम रहे हैं तो भैया हम भी तो घूम रहे हैं उसी के हिसाब से। ठीक, आ रहा समझ में? तो इसके अर्थ के रिस्पेक्ट में, या अर्थ अगर मैं रेफरेंस पॉइंट लेता हूं, तो मेरी स्पीड क्या हो गई, जीरो हो गई। ये बात समझ में आई? ठीक, अब ये अर्थ घूम रही है, मैं स्टेशनरी खड़ा हूं, मतलब मैं भी नहीं खड़ा हूं, लेकिन अब अर्थ घूम रही है और मान लो मैं ऐसे चल रहा हूं, तो मैं अर्थ की स्पीड से ज्यादा चल रहा हूं, इसलिए तुम लोगों को ये नजर आ रहा है कि मैं आगे बढ़ रहा हूं। आया समझ में? बोलो। ये ट्रेन वाला एग्जाम्पल तो सबके साथ हुआ होगा, बस में भी कभी कभार ऐसा हुआ होगा कि बस में बैठे और ऐसा लग रहा है कि हमारी बस पीछे जा रही है, लेकिन देखते हैं तो वो बाजू वाली जा रही होती, जब तक हमारी वो नजर ग्राउंड पे नहीं पड़ती। हालांकि बस के केसेस में बहुत जल्दी हमको समझ में आ जाता है कि मतलब हमारी बस चल रही है कि दूसरे की बस चल रही है। उसका कारण है क्यों, बस की लेंथ बहुत छोटी होती है और ट्रेन की लेंथ बहुत बड़ी होती है। तो ट्रेन जब तक ऐसे ऐसे चलती है, जब तक एक बहुत ज्यादा समय हमारी आंखों के सामने से गुजरता है, और हमको ये एहसास ही नहीं हो पाता कि एक्चुअल में हम चल रहे हैं कि ट्रेन चल रही है, लेकिन बस की लेंथ बिल्कुल छोटी सी है, और बस जो है कुछ ही सेकेंड में आगे या पीछे हो जाएगी पूरी बस। आ रहा है समझ में? तो हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि एक्चुअल में हमारी चली कि उसकी चली। ये बात समझ में आई? हाँ, अब ऐसा समझो, फिर से इसी पॉइंट पे आते हैं। मान लो अब ये दो कार है मेरे पास। अच्छा, तुम लोगों ने कभी ये चीज सोची, ये जैसे ये रिलेटिव स्पीड का ही कंसेप्ट, कभी तुम लोगों ने सोचा कि जब बारिश होती है ना, मान लो ये बारिश हो रही है, इस डायरेक्शन में हो रही है ना, ऐसे ऐसे गिर रहा है पानी, और हम जा रहे हैं कहाँ, ये हम हैं और हम जा रहे हैं वी स्पीड से इधर। ये बात समझ में आई? अब बारिश ऐसे हो रही है, बोलो हाँ है ना। अब ये हो रही है, तो इसका एक स्पीड इस डायरेक्शन में होगी, एक स्पीड इस डायरेक्शन में होगी। ये हम इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, या 11th 12th में जो फिजिक्स पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, है ना। ये थीटा होता है, ये साइन थीटा वाला कॉम्पोनेंट होता है, और ये कॉस थीटा वाला कॉम्पोनेंट होता है। आ रहा है समझ में? अब मान लो मैं जा रहा हूं वी स्पीड से, और बारिश हो रही है वी रेन, वी आर की स्पीड से। अब देखो, मेरे को गीला करने वाली कौन कौन सी बारिश है, एक तो सामने से ये वाला कंपोनेंट गीला करेगा, और ऊपर से कौन सा कंपोनेंट गीला करेगा, ये। अब मान लो यहां पे मैं वी स्पीड से जा रहा हूं, मान लो मैंने ये एक्स डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, तो मेरे ऊपर क्या इतना हिस्सा ऑफ पानी गिरा? ये बात समझ में आई? अब मैंने क्या किया, सेम सिनेरियो था, पानी ऐसा गिर रहा है और मैं यहीं पे खड़ा हूं, मैंने अपनी स्पीड क्या कर दी, 2 टाइम्स कर दी। आ रहा है समझ में? तो मैं वही उतने ही टाइम में, मतलब यहां पे सपोज मुझे टी टाइम लग रहा था, तो यहां टी टाइम में मैं 2x स्पीड, 2x डिस्टेंस पे पहुंच जाऊंगा। अभी भी पानी गीला करने वाले कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ये और ये अल्टीमेटली। अब लेकिन बात यह हो गई कि मैंने उसी टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया, मतलब इतना पूरा वॉल्यूम ऑफ रेन मेरे ऊपर आके गिरा। आया समझ में? तो जब हम स्पीड ज्यादा तेज चलाएंगे, जब हमारे अपोजिट गिर रहा है पानी, तो हम जल्दी और बहुत ज्यादा भीगेंगे, और जब धीरे चलाएंगे तो हम कम भीगेंगे। आया समझ में? तो जब पानी गिरता और हम तेज भगाते हैं ये डर के कि जल्दी निकल लो बच जाएंगे, उल्टा हम और भीग जाते हैं। क्यों भीग जाते हैं, उसके पीछे का ये कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट किसका है, रिलेटिव वेलोसिटी का ही कंसेप्ट है, रिलेटिव स्पीड का ही कंसेप्ट है। क्यों, क्योंकि देखो हम जा रहे हैं इधर, रेन आ रही है इधर, तो अल्टीमेटली हमारे पास ही, या रेन की अगर बात करें तो रेन को भी इसमें डबल स्पीड मिल गई रेफरेंस, अगर हमने अपने आप को ले लिया तो। ठीक है, किसी हाँ
स्पीड जुड़ जाती है, स्पीड जुड़ जाती है मतलब ज्यादा वॉल्यूम ऑफ पानी हमारे ऊपर गिरेगा इसलिए हम ज्यादा भीगेंगे। हाँ आया समझ में। अब ये रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगाना कैसे है वो समझो। मान लो एक कार ये है, ठीक, मान लो ये मैंने बोला कौन है भैया, ये है पुलिस, ठीक, हाँ, और ये है चोर। आजकल चोरों के पास ज्यादा महंगी गाड़ी होती है ना, इसको एसयूवी बना देते हैं। ठीक, ये कौन है, चोर, ठीक। अब ये चोर ने क्या किया, यहां पे एक दुकान थी, ठीक, चोरी करी और जैसी चोर गाड़ी पे बैठा भागा, उसी टाइम पे पुलिस ने देख लिया। इन जब पुलिस ने देखा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था मान लो 500 मीटर, क्या था, 500 मीटर, आ रहा है समझ में। तो हमको ये बताना है कि भैया, और जो पुलिस है, ये चोर भागा कितने की रफ्तार से, मान लो 100 किलोमीटर पर आवर की, ठीक, ठीक है। आजकल पुलिस भी हाइब्रिड हो गई है, इसने बोला भैया अगर तेरे पास एक्सयूवी है तो मेरे पास और बीएमडब्ल्यू है, तो मैं भागूंगा 150 की रफ्तार से, ठीक, आया समझ में। अब इस सिनेरियो में क्या पुलिस कभी ना कभी चोर को पकड़ पाएगा, आ रहा है समझ में। शर्त यह है कि भैया सीधी गली है, कहीं इधर उधर नहीं है, और मतलब गाड़ी अगर 100 से भाग रही तो 100 ही से भाग रही है, ठीक है। सिनेरियो प्रैक्टिकल लाइफ में तो बहुत कुछ बदल जा सकता, हो सकता है इसके पास ये हो बाइक हो, तो बाइक तो गली में घुसेड़ दे। ये भी हो सकता है कि ये बोले कि भैया मैंने चुराया इतना है, इसका 10% रखो जाओ, ठीक है भाई, ये तो दुनिया है, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम बिल्कुल आइडियल केस की बात कर रहे हैं, बिल्कुल हर चीज, हर आदमी बहुत ईमानदार है, ये चोर एग्जैक्ट में बिल्कुल चोर है, ये पुलिस वाले बिल्कुल ईमानदार है, और इनकी गाड़ी बहुत अच्छी है, इसकी गाड़ी थोड़ा सा कम तेज भागती है, आ रहा है समझ में। और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 500 मीटर, ये बात समझ में आई। ये ज्वेलरी की दुकान है, इसने यहाँ से चुराया और भागा। अब सिनेरियो हमारे पास ये बन रहा है कि ये पुलिस तो जा रही है कितने से, 150 से, और ये जा रहा है कितना, 100 से। अल्टीमेटली ये यहाँ कहीं आगे, यहाँ कहीं पे मिलेंगे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया पी, ठीक, बोलो हाँ है ना। इसका मतलब जिस टाइम फ्रेम में पुलिस ने ये डिस्टेंस कवर किया, बोलो हाँ है ना, उतने ही टाइम फ्रेम में चोर ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये किया, क्या मेरा टाइम कांस्टेंट हो गया, हो गया ना भाई, जितने टाइम में ये यहां से यहां चला उतने ही टाइम में चोर यहां से यहां चला, धीमे गति से चल रहा था, बोलो आया ना। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर मेरा टाइम कांस्टेंट हो गया तो क्या मैं स्पीड रेशियो बराबर डिस्टेंस रेशियो होगा, बोलो हाया ना। स्पीड का रेशियो क्या है, क्या 3/2 है, 3:2 है, यही मेरा d1 और d2 का रेशियो है, बोलो हाया ना, आ रहा है समझ में। अब ये d1 और d2 का रेशियो निकलेगा कैसे, देखो अल्टीमेटली यहां पे जो डिस्टेंस था इन दोनों के बीच में ये कितना था, 500 मीटर था, बोलो हाँ या ना। ये यहां से यहां चला, इसने चला 3 यूनिट, बोलो हाँ या ना, और इसने कितना चला, 2 यूनिट चला, है ना, आ रहा है समझ में। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ है, जब मैं ये रेफरेंस पॉइंट लूंगा, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, क्योंकि ये तेज चल रहा है, ये आ रहा है समझ में, ये 100 से चल रहा है देखो, और ये एक समय के बाद मिले तो अल्टीमेटली, हाँ किसका, किसका एलसीएम, एक मिनट पहले समझ लो फिर हम बताएंगे अभी, है ना सब। तो अल्टीमेटली बात ये हो रही है कि ये जो डिस्टेंस है ये कम होता जा रहा है, तो एक्चुअल में जो d2 - d1 है वो क्या इस 500 को करस्पॉन्ड करेगा, ये बात समझ में आ रही है, बोलो हाँ है ना। तो ये जो 1 यूनिट है डिफरेंस, क्या ये मैं बोल सकता हूं कि ये 500 मीटर है, बोलो हाँ है ना, ठीक। तो यहाँ पे 3 यूनिट इसने एक्चुअल में कितना कवर किया, 1500, और इसने कितना कवर किया, 1000,
आ रहा है समझ में? किलोमीटर। अरे इसको किलोमीटर मान लो यार, ठीक, अभी फिलहाल हम समझने के लिए, ठीक, वो किलोमीटर मान के चलो। तो अल्टीमेटली यहाँ पे ये किलोमीटर मान लो इसको, और इसको भी क्या मान लो, सबको किलोमीटर। ठीक, आ रहा है समझ में? तो अल्टीमेटली क्या हुआ है कि भैया इसने कितना चला यहां से यहां तक, 1500 चला, ठीक, और इसने कितना चला, 1000 किलोमीटर चला। आया समझ में? अब देखो, हमको ये बताना है कि कितने समय के बाद पुलिस इसको पकड़ेगी। हम किसी के भी रेफरेंस से चल सकते हैं। देखो, इसने चला कितना, 1500 किलोमीटर, किस स्पीड से चला, 150 से, तो क्या इसको 10 घंटे लगेंगे? बोलो हाँ या ना? तो अल्टीमेटली पुलिस के से 10 घंटे बाद मतलब चोर पकड़ा जाएगा, और चोर से भी 10 घंटे आएगा। कैसे आएगा? अल्टीमेटली इसने कितना चला, और इसने चला कितने की रफ्तार से, तो उसको कितने घंटे लगेंगे, 1000 चलने में 10 घंटे लगेंगे। आ रहा है समझ में? भाई इसकी स्पीड है और इसका वो है, तो इसको भी टाइम कितना लगेगा, 10 घंटे। बोलो, बात समझ में आई? हाँ, ये बात समझ में आ रही है? अब ये तो हो गया कि ये हमने जो नॉर्मल कॉन्स्टेंसी पढ़ा था उससे कैसे किया, लेकिन अब हमको अगर रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट समझ में आ रहा है, तो इसी को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसके पहले हम ये जानते हैं कि रिलेटिव स्पीड में कब स्पीड जुड़ती है, कब स्पीड घटती है, फिर इसी केस को हम रिलेटिव स्पीड से करके देखेंगे, 1 सेकेंड में आंसर आएगा। ठीक, अब देखो, ये मेरी कार ए है, बोलो हाँ या ना? ये स्पीड वी से जा रही है, ये मेरी कार बी है, ये, या ये मान लो कि ये 15 से जा रही है, और ये 10 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। किसी को कोई समस्या? मैं क्या करूंगा, अल्टीमेटली रिलेटिव में हमको एक कोई रेफरेंस चाहिए रहता है। क्या चाहिए रहता है? रेफरेंस चाहिए रहता है। अब रेफरेंस के लिए मैं क्या करूंगा, या तो मैं इस पे बैठ जाऊं तो मेरा और इस कार का रेफरेंस सही हो जाएगा, सेम हो जाएगा, या फिर मैं किस पे बैठ जाऊं, इस पे बैठ जाऊं। आप लोग बैठो, किस पे बैठाऊं, किस पे बैठूं, इसमें इस पे, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, किस पे बैठूं, इस पे बैठ जाऊं। चलो, इस पे बैठ गया मैं, ठीक, आया समझे? अब मैं बैठ गया। अब देखो, मैं जा रहा हूं 15 से, अब क्या ये कार का और मेरा स्पीड सेम हो गया? बोलो हाँ या ना? तो क्या वो जो आने वाली कार जो धीरे चल रही है, वो मुझे 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पीछे आते हुए दिखेगी? बोलो हाँ या ना? मतलब क्या किया मैंने, अगर मैं इस पे बैठ गया, तो अल्टीमेटली लैंग्वेज सुनना, मैं इस पे बैठ गया तो मैंने क्या किया, इसको रोक दिया। बोलो है ना? मैंने कहा तू वहीं रुक, मैं आ रहा हूं, तू वहीं रुक, मैं आ रहा हूं। बोलो है ना? और मैंने क्या किया, ये 10 से तो चल रहा था, 10 से कर दिया, रोक दिया, तो अल्टीमेटली मेरे को यहां पे एक स्पीड उसके अपोजिट डायरेक्शन में मिल गई। कितनी? तो नेट मेरी स्पीड अब कितनी हो गई आगे जाने की, दोनों का माइनस कर दिया, है ना, सेम डायरेक्शन में। क्यों होता है? क्योंकि मैं इस पे बैठ गया। अब जैसे ही मैं इस पे बैठा, तो मेरी भी स्पीड क्या हो गई? बोलो हाँ या ना? अब इसको एक प्रैक्टिकल समझने का मतलब यह है कि अगर वो, मैं यहाँ 15 तेज से चल रहा हूं, और वो सामने वाली एक कार है, तो क्या मैं वो सामने वाली कार को ये देखूंगा कि मैं उसके पास 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे जा रहा हूं? आ रहा है समझ में? बोलो, एक कार ये है, मैं इस पे बैठा हूं, ये 10 से जा रही है, और ये मैं ज्यादा तेज जा रहा हूं, तो क्या मैं इस पे बैठ के इसको इमेजिन कर पा रहा हूं कि मैं इसके पास 5 से जा रहा हूं, अगर मैंने इसको रोक दिया तो? आ रहा है समझ में? अब मैंने इसको रोका, जैसे ही इसको बोला रुक, तो उसके बदौलत में मुझे कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस तो झेलने पड़ेंगे। वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, अगर ये आगे जा रहा था, तो मेरे को एक पीछे स्पीड मिल जाएगी इसको रोकने की बदौलत में। आ रहा है समझ में? अगर ये आगे जा रहा था, तो मेरे को एक पीछे स्पीड मिल जाएगी इसको रोकने के बदौलत में। आया समझ में? तो मेरी नेट स्पीड यहां से यहां तक जाने में कितनी हो गई, 5 किलोमीटर पर आवर। बोलो हाँ या ना? दूसरा केस क्या बन सकता है? सर मैंने इसको ऐसा समझा रहा कि जैसे अपन रेलगाड़ी में बैठते हैं, हाँ अपन अपने सामने जो जो गाड़ी आ रही है, अपने हाँ सापेक्ष जब वो अपनी भी 60 है वो भी 60 है, जब अपने सामने आएगी तो दोनों की 0 हो जाएगी, तो अपन सामने वाले को देख पा रहे हैं तो माइनस कर दी इसकी, और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो जब अपन वो भी 60 अपन भी 60, जब अपने आमने सामने होंगे तो टोटल कितनी हो जाएगी, 120, क्योंकि अपन देखा नहीं पाएंगे दोनों की स्पीड बढ़ जाएगी। तो मैंने ऐसा समझा रहा है, तो वो एग्जाम्पल समझ नहीं जा रही।
अभी करते हैं इस पर डिस्कस, है ना, पहले ये समझ लो फिर अपन समझते हैं उसको भी। अब ये दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, ये जा रहा है कितने से, वही 15 किलोमीटर पर आवर से, बोलो हाँ, है ना, और ये जा रहा है कितने से, 10 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। फिर से मुझे एक रेफरेंस चुनना है, अब मैं किस पे बैठ जाऊं, इस पे बैठ जाता हूं, ठीक है, ये बैठ गया, ठीक। अब मैं जैसे ही बैठ गया इस पे, तो मैंने उसको बोला भाई तू रुक, क्या बोला, भाई तू रुक इधर, तो मैंने इसको क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। अब इसको रोकने के बदौलत मुझे कुछ ना कुछ तो चुकाना पड़ेगा, वो क्या चुकाना पड़ा, अगर ये आगे जा रहा था, इसकी स्पीड मुझे कहां मिलेगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगी, कितनी मिलेगी, इसके बराबर मिलेगी। अब क्या मेरे पास दो स्पीड हो गई, एक तो मेरी खुद की थी और एक मेरी कितनी हो गई, इससे मिल गई, तो अल्टीमेटली अब मेरी नेट स्पीड कितनी हो गई, किसी को कोई समस्या, बोलो हाँ या ना, हाँ ठीक। तो अब इसी केस में आओ, कौन से वाले केस में, चोर पुलिस वाले में, ठीक, मैं फिर से बना दे रहा हूं, यहां मेरा चोर था, ये पुलिस था, ये किससे जा रहा था, 150 किलोमीटर पर आवर, ये क्या था, चोर था, ये किससे जा रहा था, 100 किलोमीटर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, 500 किलोमीटर, ठीक है, 500 किलोमीटर अल्टीमेटली। अब मैंने बोला कि भैया मैं बैठ जाऊं इस पे, ठीक, मैंने इसको बोला कि भैया तू वहीं रुक, अब तू वहीं रुक, तो इसके उसमें अपोजिट में मुझे, मतलब इसके बदले में मुझे कॉन्सिक्वेंस झेलना पड़ेगा, वो क्या झेलना पड़ेगा कि इसकी स्पीड मुझे यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगी, कितनी मिलेगी, उसके बराबर मिलेगी, ये बात समझ में आई। अब मेरी नेट स्पीड यहां जाने में कितनी हो गई, 50 हो गई, बोलो हाँ या ना, हो गई 50। अब मुझे अल्टीमेटली डिस्टेंस कितना कवर करना है, क्या इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कवर करना है, जो कि कितना है, 500 किलोमीटर है, तो अगर मुझे 500 किलोमीटर तय करना है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो क्या मैं टाइम बोल सकता हूं कि मुझे 10 घंटे लगेंगे, हाँ, स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम, 500/50 टाइम निकल आया। अब क्वेश्चन ये पूछा कि बताओ कितने डिस्टेंस के बाद मिलेंगे, तो भैया ये 10 घंटे में मिल जाएंगे, आया समझ में, 10 घंटे में क्या होगा, ये मिल गए, तो ये 10 घंटे में कितना चल गया, 1500 चल गया, ये कितना चल गया, 1000 चल गया। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखो कितना आसान हो गया, बोलो हाँ या ना, आ रहा है समझ में, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे हम ये कारों को एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हैं, क्या ट्रीट कर रहे हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है और लेंथ ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये समझो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ट्रेन है, क्या है, ट्रेन है, ट्रेन लंबी होती है, ठीक, बोलो हाँ या ना। मान लो ट्रेन एक किसी पोल को या एक कोई पर्सन, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ठीक, मैं खड़ा हूं इधर, सींग लाल से होते हैं ना, ठीक, मैं खड़ा हूं इधर और मैं इस ट्रेन को देख रहा हूं जाते हुए, बोलो हाँ या ना, तो ट्रेन मेरे को क्रॉस कैसे करेगी, देखो अभी जब मेरे सामने ये बिल्कुल नजर है, तो क्या मैं इस पॉइंट को देख पा रहा हूं, ट्रेन क्रॉस कब होगी, जब ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट मेरी नजरों से उधर चला जाएगा, एक समय बीच में ऐसा कहीं आएगा, बोलो हाँ या ना, ये इधर रहेगा और ये, अभी ट्रेन कितनी क्रॉस हुई है, कुछ पार्ट क्रॉस हुई है, और एक समय जब पूरा क्रॉस हो जाएगी वो ये वाला समय रहेगा, जब ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, ये बात समझ में आ रही। तो ये जो मैं हूं इसको मैंने बोल दिया क्या, पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्या बोल दिया, और ये जो ट्रेन है इसको मैंने क्या बोल दिया, लेंथ ऑब्जेक्ट, क्या बोल दिया, पॉइंट और लेंथ से मतलब ये है कि इसके पास एक पर्टिकुलर लेंथ है, ठीक है, और ये पॉइंट है मतलब इसके पास ये लेंथलेस है, मतलब बिल्कुल एक छोटा सा डॉट है, आया समझ में, उसकी कोई विड्थ नहीं है। अब यहां पे बताने का मतलब ये है, बाय चांस अगर इसकी कोई एक लेंथ होती तो वो लेंथ भी मुझे डिस्टेंस में ऐड करनी पड़ती, आ रहा है समझ में, इसलिए मैंने इसको क्या ट्रीट किया, पॉइंट ऑब्जेक्ट, आया समझ में। लेकिन जहां स्पेसिफिकली आपको लेंथ दिया रहे कि भैया ये ट्रेन है इसकी लेंथ इतनी है, या ये पोल है इसकी लेंथ इतनी है, या ये प्लेटफॉर्म है इसकी लेंथ इतनी है, बात समझ में आ रही है, तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे,
लेंथ ऑब्जेक्ट की तरह। आया समझ में? बोलो हाँ या ना। अब कुछ केसेस यहाँ पे अपन डील कर लेते हैं, ठीक। आप लोग बताना स्पीड क्या होगी। ये मेरी कार है, ठीक। मैं अभी लेंथ की कोई जिक्र नहीं कर रहा हूं। ये यहां जा रही है किस स्पीड से, मान लो ए से जा रही है, और ये मेरी कार बी है, ये बी से जा रही है, और मैंने ये बोल दिया ए ग्रेटर देन बी है, तो जो स्पीड होगी नेट या रिलेटिव वो क्या होगी? ए माइनस बी होगी। बोलो हाँ या ना। तो मेरा जो टाइम होगा मिलने का, मान लो ये डिस्टेंस इनके बीच का मैंने डी बोल दिया, तो क्या मैं डी अपॉन ए माइनस बी बोल सकता हूँ? बोलो हाँ ना, डिस्टेंस अपॉन। केस नंबर टू, मान लो ये मेरा कार है, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, समझते चलना। अगर तुम स्पीड निकाल पा रहे हो तो टाइम निकाल पाओगे। बोलो आया समझ में। ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास कार बी है, ये दोनों क्या चल रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? डी है। तो क्या मैं आपसे रिलेटिव स्पीड क्या बोलूंगा? तो मेरा जो टाइम हो जाएगा मिलने का वो क्या होगा? अल्टीमेटली मुझे डी डिस्टेंस कवर करना है, किस स्पीड से? रिलेटिव वाली। बोलो आ रहा है समझ में? ठीक। यहां पे ए और बी कुछ भी हो जाए, ग्रेटर हो छोटा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पे अगर बी बड़ा हो गया तो ये कभी मिल नहीं पाएंगे, बात ध्यान रखना, क्योंकि बी आगे ही जाता जाएगा भाई। अगर इसकी स्पीड ज्यादा हो गई और इसकी स्पीड क्या हो गई, तो ये तो पीछे छूटा ही रहेगा हमेशा। बोलो हाँ या ना। कभी मिल पाएंगे इन लोग? तो वो केस हमारे लिए है मतलब का, क्योंकि जब मिल ही नहीं पाएंगे तो फिर क्या होगा? आया समझ में? ये जरूर हो सकता है कि भाई ये बोल दे कि ये बी, अगर मान लो कि बी मेरा ग्रेटर देन क्या हो गया? ए हो गया। ये बोल सकता है सवाल में कि आफ्टर टाइम दिस, या मान लो आफ्टर 10 घंटे बाद, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी रहेगी? इनिशियल दूरी तुम्हें मालूम है और 10 घंटे बाद कितनी होगी? तो उसके लिए तुम क्या सोचोगे? फिर वही सोचोगे कि भैया मैं किस पे बैठ जाऊं, इस पे बैठ जाऊं। तो मुझे ये मेरे वाले पॉइंट से वैसे ही 500 ज्यादा है, और कितनी स्पीड से आगे जाते हुए दिख रहा है? बी माइनस ए से आगे जाते हुए दिख रहा है। बोलो हाँ है ना। तो मैंने 10 घंटे बाद देख लिया उस स्पीड से वो कितना आगे चला गया, हाँ मतलब एक्स चला गया मान लो, और उस एक्स में मैंने ये डी भी जोड़ दिया, तो अल्टीमेटली वो कितने, वो दूरी कितनी हो जाएगी? वो एक्स प्लस डी। ये बात समझ में आ रही है? हाँ प्लस डी है ना। एक एग्जाम्पल के तौर पर चलो, मान लो अगर मैंने बी बोल दिया 50 और बी ए को बोल दिया 25, तो ये कभी मिल पाएंगे? KMPH कभी मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। मुश्किल क्या, कभी नहीं मिल पाएंगे। अब मैंने बोला कि 10 घंटे बाद बताओ ये दोनों कितनी दूर होंगे, और इनिशियली इनके बीच का डिस्टेंस था 500 या 5 किलोमीटर। कितना था? 5 किलोमीटर था। आया समझ में? या 1 किलोमीटर था, बहुत ज्यादा हो रहा है। कितना था? 1। तो 10 घंटे बाद बताओ इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। अब देखो सिनेरियो ये बन गया कि एक मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये किससे जा रहा है? 25 से। और एक ये ऑब्जेक्ट है, ये किससे जा रहा है? 50 से। और इन दोनों के बीच का इनिशियली क्या है? बोलो हाँ है ना। तो मुझे इस, मैंने टाइम फ्रेम को बोल दिया टाइम इक्वल्स टू जीरो, यहां से चीज स्टार्ट हुई। अब यहां से मुझे बताना कि 10 घंटे बाद इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। आया समझ में? अब एक बहुत बेसिक सा, वो अगर ये जो है टाइम इक्वल्स टू जीरो है, तो 10 घंटे बाद ये 250 चल देगा और ये कितना चल देगा? 500। बोलो हाँ है ना। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? 250 हुआ। बोलो ये बात समझ में आई? लेकिन अगर मेरे को इसको रिलेटिव स्पीड से करना हो, तो भैया ये 25 है, ये क्या है? 50 है। तो अल्टीमेटली ये जो डिस्टेंस है, मैं स्टेशनरी हो जाता हूँ, तो ये जो है ये मेरे को 25 से आगे जाता हुआ दिखेगा। बोलो हाँ या ना। तो 10 घंटे बाद ये कितना चल देगा? ये वाला 250 चल देगा। क्या मेरे दोनों डिस्टेंस सेम आए? बोलो हाँ या ना। हाँ, अगर मैं ये बोलूं कि पहले और उसके बीच में डिस्टेंस क्या है, इन दोनों के बीच है, तो फिर हमको ये डी भी जोड़ना पड़ेगा, है ना? हाँ ठीक है। आया? तो दोनों में 251 ही आता अगर मैं दोनों के बीच का डिस्टेंस बोलूंगा तो, है ना? आया समझ में? ठीक, चलो ये बात समझ में आई? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं ट्रेन वाले केस पे। ठीक, किसके केसेस पे? ट्रेन्स, है ना। ये रिलेटिव अगर मेरे को समझ में आ गया,
तो ट्रेन का भी कंसेप्ट इसी पे बेस्ड है। देखो कैसे, मान लो अगर मैं किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ और किसके बीच की कंपैरिजन कर रहा हूँ, ट्रेन की, इसको मैंने बोल दिया ये स्टेशनरी है, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ है, ठीक, ये रुका हुआ है और ये बस इस ट्रेन को देख रहा है पास होते हुए। तो मैंने बोल दिया कि मान लो टी टाइम में पास कर देती है, मैंने बोल दिया टी टाइम में क्या हो गई, पास कर दी, और इसकी स्पीड क्या थी, एस, बोलो हाँ या ना। अब ये इसकी स्पीड कितनी है, जीरो है, जीरो, तो अल्टीमेटली जो रिलेटिव स्पीड बनेगी वो क्या ऐसी बनेगी, ये बात समझ में आ रही है, जो इसकी स्पीड है वही रिलेटिव रहेगी क्योंकि ये तो जीरो है। अब ये चाहे यहां से खड़े होके देखे चाहे कहीं से खड़े होके देखे, क्योंकि ये स्टेशनरी है, तो अल्टीमेटली जो रिलेटिव स्पीड हुई वो क्या हुई, जीरो हुई, ये बात समझ में आई। तो मैंने बोला कि इसको टी टाइम लग रहा है इस पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस करने में, ठीक है, और ये लेंथ क्या है, एल है। अब इन सब तीनों डेटा में, एल में, टी में, एस में, कोई दो चीजें गिवन रहेंगी, कोई एक चीज निकालनी होगी, आया समझ में, या तो लेंथ ऑफ ट्रेन निकालने को बोल देगा या कुछ स्पीड ऑफ ट्रेन निकालने को बोल देगा लेंथ और टाइम देके, आया समझ में। तो अल्टीमेटली क्या मैं यहां से फॉर्मूला स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख सकता हूं, ये तो हर जगह लगेगा। अब बात यह है कि यहां पे डिस्टेंस क्या होगा और टाइम क्या होगा, ठीक। अब देखो मैं फिर से वही बात करूंगा, ये टीम को मैंने क्या बोला है, क्रॉसिंग टाइम बोला है, क्या बोला है, इसका मतलब ये जो पॉइंट था, बोलो हाँ या ना, ये ट्रेन कब क्रॉस कर जाएगी इस पॉइंट को, जब ये जो ट्राइंगल वाला पॉइंट है वो यहां आ जाए, मतलब यहां आ जाए, है ना, ये ट्राइंगल वाला जो पॉइंट है ये चल के कहां आ जाए, तो क्या इस ट्राइंगल वाले पॉइंट ने एल डिस्टेंस ही कवर किया, क्योंकि ये बराबर ऑफ लेंथ है, लेंथ ऑफ ट्रेन है, तो यहां पे डी बराबर क्या आ गया, एल, और टाइम मेरे को ऑलरेडी कितने टाइम में किया, क्योंकि मेरे को एक क्रॉसिंग टाइम दिया, तो मतलब ये उतने टाइम में यहां से यहां आया, तो मैं नीचे यहां क्या रख दूंगा, और ये क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी, ये बात समझ में आ रहा है। अब सेकंड केस, मान लो मेरे पास एक ट्रेन ये है और दूसरी ये जा रही है किससे, एस वन से, और दूसरी ट्रेन क्या है, ये है और ये किससे जा रही है, इसकी लेंथ क्या है, L1, और इसकी लेंथ क्या है, L2, आया समझ में। अब मान लो फिर से मैं क्या बोलूंगा, मुझे रिलेटिव स्पीड चाहिए, तो मैं क्या किया, इस पे बैठ गया, ठीक है, इस पे बैठ गया। अब जैसे ही इस पे बैठ गया तो मैंने इसको क्या बोला, रुक जा भाई तू, मैं तेरे पास आता हूं, ठीक, आया समझ में, मैं तेरे पास आता हूं, तो इसकी जो स्पीड थी ये कितनी थी, वो इसको मिल जाएगी इसके उल्टे डायरेक्शन में, मिल गई, तो अल्टीमेटली इसकी स्पीड क्या हो गई, एस रिलेटिव जो हो गई वो क्या हो गई, बोलो हाँ या ना। और मैंने टी को क्या दे दिया, टी क्रॉसिंग टाइम दे दिया, कि भैया ये जो दोनों ट्रेनें हैं ये क्या है, टी टाइम में क्रॉस कर देती हैं। अब देखो मैंने क्या बोला, मैं इस पे बैठ गया, मैंने इसको रोका, तो इसकी स्पीड मुझे मिल गई, तो अल्टीमेटली मेरी स्पीड क्या हो गई, एस वन प्लस एस टू हो गई, आया समझ में। और ये मैंने बोला कि ये दोनों ट्रेन जो है वो कितने टाइम में क्रॉस कर गई, टी टाइम में क्रॉस कर गई। अब यहाँ सिनेरियो समझो, देखो हमारी क्रॉसिंग स्टार्ट कैसे हुई, हमारी क्रॉसिंग ऐसे स्टार्ट हुई कि जब इसका ये वाला पॉइंट था और ये वाला पॉइंट था, ये दोनों एक दूसरे के जस्ट नीचे आए, तब हमारी क्रॉसिंग स्टार्ट हुई। और क्रॉसिंग कंप्लीट कब हुई, जब ये पहुंच गया यहाँ पे, ये जो ट्राइंगल वाला पोर्शन है इसका, आया समझ में, और ये वाली जो ट्रेन है इसका ट्राइंगल वाला पोर्शन इसके जस्ट नीचे आ जाए, ये हमारी क्रॉसिंग कंप्लीट हुई। तो अल्टीमेटली देखो ये जो ट्राइंगल वाले पोर्शन है इनने कितना वो चला, इस वाले ने चला L1, या किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लो, मान लो इसने कितना चला, इसने पहले तो ये L, अब ये L2 था, ये L2 कवर किया होगा, फिर L2 के बाद L1 कवर किया होगा, तभी इसके जस्ट नीचे आ पाया। या अगर मैं बोलूं कि मैंने इसको इसको रोका था, इसको स्टेशनरी कर दिया, तो मुझे क्रॉस कराना, तो अल्टीमेटली चल कौन सा रहा है, तो भैया पहले इसने ये L1 चला होगा, फिर उसके बाद ये L2 चला होगा, तो अल्टीमेटली जो मेरा डिस्टेंस आ गया इस केस में वो क्या आ गया, L1 प्लस L2। तो क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि ये जो रिलेटिव स्पीड है, ये डिस्टेंस मतलब L1 अपॉन L2 बाय T होगी, और रिलेटिव स्पीड की जगह क्या आ जाएगा, A प्लस सॉरी S1 प्लस S1 प्लस S2 बराबर क्या होगा, L1 प्लस L2 बाय T। ये बात समझ में आ रही है।
क्या ये फॉर्मूला समझ में आ रहा कैसे आया? ठीक, अब यहाँ पे दो ट्रेनें की बजाय सपोज एक प्लेटफॉर्म आ जाए, लेकिन प्लेटफॉर्म या स्टेशनरी की जगह क्या आ जाएगा? प्लेटफॉर्म तो चलेगा नहीं, प्लेटफॉर्म क्या हो जाएगा? जीरो पे आ जाएगा। तो अल्टीमेटली जो स्पीड ऑफ ट्रेन रहेगी वही रिलेटिव स्पीड रहेगी बस, लेकिन उसमें डिस्टेंस कितना हो जाएगा? प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ। तो एक वो भी समझ लो कि मान लो अगर ये प्लेटफॉर्म, ये मेरा क्या है? प्लेटफॉर्म, ठीक, इसकी लेंथ क्या है मान लो L1 है, और एक ट्रेन है, ठीक है, इसकी लेंथ क्या है? ये जा रही है किससे? S से। तो क्या इस केस में ये मेरी प्लेटफॉर्म है और ये मेरी S से इधर आ रही है, तो क्या एस आर बराबर S हो जाएगा? किसी को कोई समस्या? क्योंकि इसकी तो जीरो रहेगी, ये स्टेशनरी है। और क्या डिस्टेंस बराबर L1 प्लस L2 हो जाएगा? और मैंने बोल दिया कि भैया ये ट्रेन जो है वो t टाइम में क्रॉस कर रही है, तो फिर से क्या s बराबर L1 प्लस L2 बाय t हो जाएगा? किसी को कोई समस्या आ रहा है समझ में? हाँ, बोट एंड स्ट्रीम में भी यही कंसेप्ट लगता है, लेकिन अभी हम डिस्कशन को यहीं रोकेंगे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं ट्रेन वाले, ये जो हमने समझा, और ये पुलिस और थीप वाले करते हैं। आया समझ में? ये लिखना है फॉर्मूलेस? हाँ, कहाँ से लिखना है बताओ? यहां से, ठीक। समय कितना हो गया? बताओ इसमें कोई भी चीज रटने की समझ में आ रही है क्या? हाँ, कोई फॉर्मूला नहीं रटना, नहीं तो इतने सारे फॉर्मूले हो जाएंगे इस वाले पर्टिकुलर चैप्टर में कि रट रट के पागल हो जाओगे। आ रहा है समझ में? बस समझते चलोगे तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी। आगे बढ़ा दूं? ठीक, एक केस और मेरे को बता दो कि मान लो, तुम ही लोग बताना, ये ट्रेन है, ये जा रही है ए से, और इसके एक पीछे ट्रेन है, ये जा रही है बी से, ठीक है, इसकी लेंथ है L1, इसकी लेंथ है क्या? L2, और मैंने बोला है कि B ग्रेटर देन क्या है? A। तो ये बताओ, ये मान लो T टाइम में एक दूसरे को क्रॉस कर देंगी, T टाइम में एक दूसरे को क्रॉस कर देंगी, तो SR बराबर क्या होगा? SR रिलेटिव स्पीड, ये स्पीड है KMPH और KMPH, स्पीड क्या होगी? A प्लस B होगी, सेम डायरेक्शन है। हाँ, तो लेंथ क्यों L2 माइनस L1? B माइनस A। आया समझ में? टाइम तो इनको क्रॉस करने के लिए मान लो ये मुझे निकालना है ना, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना एक्चुअल में कवर करना पड़ेगा ये दोनों ट्रेनों को? L1 प्लस L2। भाई क्रॉस कब कर पाएंगे? जब ये वाला जो पॉइंट है ये इसको क्रॉस, पहले तो यहां चल के यहां आएगा, फिर यहां चल के यहां आएगा। आया समझ में? तो अल्टीमेटली कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा? तो यहां से क्या मैं टाइम का फॉर्मूला ये लिख सकता हूं क्या कि b माइनस a अपॉन l1 प्लस l2, सॉरी l1 प्लस l2 अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड b माइनस a। ये बात समझ में आ रही है? ठीक,
हाँ चलो अब आते हैं वापस क्वेश्चंस पे। चलो जैसे क्वेश्चन नंबर 38 देखो, ठीक है, 900 मीटर लंबी ट्रेन, ठीक है, 108 प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह साफ करने में, मतलब पूरी तरह साफ नहीं होगा क्रॉस करने में, है ना, इसमें क्लियर बोला है ना, तो उसने हिंदी ट्रांसलेट, क्रॉस को हिंदी में क्या बोलेंगे, पार करना, तो इसको पार कर लो, पार करने में कितना समय लगेगा। अल्टीमेटली क्या सिचुएशन है भैया, ये प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन है, ये चल रही है कितनी, 108 की एम पीच, इसकी लेंथ कितनी, इसकी भी लेंथ कितनी, ठीक, अभी मैं डायग्राम बना रहा हूँ ये सब समझ आने के लिए, लेकिन आपको डायरेक्ट लिखना चाहिए। तो हमको अल्टीमेटली क्या निकालना है, टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, एक्चुअल में कितना कवर करना पड़ा, 900 ये और 900 ये, 1800 मीटर करना पड़ा, बोलो हाँ या ना। हाँ, और स्पीड ये जो 108 है, देखो ये 9 अल्टी, देखो यहां से फायदा वो वाली टेबल का, मेरे को ये मालूम है कि 5 मीटर पर सेकंड बराबर क्या है, पर आवर, ये 108 इसका कितना टाइम्स है, 6 टाइम्स है, तो यहां पे कितनी हो जाएगी, कितने सेकंड लगेंगे, 60 सेकंड लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ये टेबल का फायदा देखा, ठीक, बोलो, ठीक, ये समझ में आया कैसे हमने क्या डिस्टेंस ली और क्या स्पीड ली, ठीक। सेकंड वाला देखो, 39th क्या बोल रहा है, दो ट्रेनें हैं पी और क्यू, उनकी लेंथ क्या है, ठीक है, अब अपन डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, कैसे एग्जाम में करना है अब मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ, नहीं समझ में आया तो पूछना। दो ट्रेन है जिसकी लेंथ क्या है, एक की 320, एक की, और रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, बोलो स्पीड प्लस होगी कि माइनस, माइनस होगी, एक चल रही है 108 से और दूसरी चल रही है 144, तो 144 और 108 का डिफरेंस कितना हुआ, अरे 44 में से 8 घटा दो, 36 हुआ, बोलो हाँ या ना। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि भैया दोनों को, मतलब जो डिस्टेंस है वो कितना चलना पड़ेगा, 860 चलना पड़ेगा, कितने की स्पीड से चलना पड़ेगा, 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर मतलब 10 मीटर पर सेकेंड से, मतलब कितने से चलना पड़ेगा, 10 मीटर पर सेकेंड, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ 86 सेकेंड में क्रॉस कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बोलो कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत पड़ी, हाँ चलो 40 पे आओ, क्या सेम डायरेक्शन की बात हो रही है, डिफरेंस क्या हो जाएगा 36 का, और टाइम हमको दे दिया, और हमको क्या बोल दी, कंबाइंड लेंथ ऑफ क्या बोल दी, बोथ ट्रेन, मतलब हमें डिस्टेंस निकालना है L1 प्लस L2, तो भैया अल्टीमेटली 25 सेकंड में हमको देखना है, और स्पीड क्या है 36, मतलब 10 मीटर पर सेकंड, तो आंसर 20, मतलब दोस्त हाँ भाई 25 सेकेंड है, बोलो हाँ या ना, 25 सेकेंड समय है और हमारी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 25 में 250, हाँ वेरी ठीक, हो गया 250 मीटर, आया समझ में, ठीक, मैं एक्चुअली 200 देख 200 सोच लिया था, ठीक है। फिर क्या ये, क्या बगैर पेन और पेपर के आंसर लगा पा रहे हो, विदाउट एनी यूजिंग पेन, हाँ समझ में आ रहा कैसे हो रहा। और अब देखो, टू ट्रेन्स, एक की लेंथ क्या, अल्टीमेटली 250 मीटर चलना है, क्या चलना है, पैरेलल लाइंस में चल रहा है, स्पीड प्लस होगी कि माइनस, कितना है, 10 का डिफरेंस है, 10 किलोमीटर पर आवर, बोलो हाँ या ना, मतलब मुझे ये मालूम है कि 18 किलोमीटर पर आवर बराबर क्या होता है, 5 मीटर पर सेकेंड, तो अब इसको तो कर लो ज्यादा बेहतर है, तो 10 किलोमीटर पर आवर से मुझे कहाँ जाना है, मीटर पर सेकेंड, तो मुझे एक 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोलो है ना, तो ये कितनी हो गई, 50/18 हो गई, डिस्टेंस कितना कवर करना है, 250, है ना,
250 करना है, तो ये कितना चला गया, 5 से चला गया, 90 सेकंड में वो एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे। ठीक, चलो ये 44वां वाला देखो क्या बोल रहा है। एक 252 मीटर लंबी ट्रेन कितने किलोमीटर के चाल, एक व्यक्ति जो इंजन के पास से कितनी, समान दिशा में दौड़ना आरंभ करता है। समान दिशा मतलब फिर से सेम डायरेक्शन, मतलब स्पीड प्लस होगी कि माइनस, माइनस होगी। तो एक्चुअल स्पीड क्या हुई, बोलो हाँ या ना, 125 में से 17 घटा दोगे मतलब 113 आएगी, सॉरी 108 आएगी, बोलो हाँ या ना। आप 108 क्या किलोमीटर पर आवर, तो मतलब 6 टाइम्स मतलब 30 मीटर पर सेकंड हो गया, इसको बटे क्या कर दोगे, 30 कर दोगे, तो ऑलमोस्ट ये मतलब 30 का 8 पॉइंट समथिंग है, 8 से थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब 8.4 आंसर होगा। बोलो समझ में आ रहा है, आगे बढ़े, मजा आ रहा है, हैं? तुम भी बोलो भाई, आ रहा है कि नहीं। ये करो, चलो, एक पुलिस एक चोर का पीछा करते हुए जो पुलिसकर्मी से कितने मीटर दूर है, यदि पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः 10 और 8, सॉरी ये हिंदी यहां पढ़ लो, पुलिसमैन चल रहा है 10 से और जो थीफ है चोर है वो किससे चल रहा है, 8 से, तो वो कितने मिनट बाद पकड़ लेंगे। आया समझ में? तो अल्टीमेटली जो स्पीड हो गई वो कितनी हो गई भाई, सेम डायरेक्शन चल रहे हैं, कितना चलना है, 600 मीटर। क्या ये मैं 600 मीटर को 0.6 किलोमीटर बोल सकता हूं, किसी को कोई समस्या? हाँ, अभी मत करो ना, आवर में आंसर निकाल लो। तो अल्टीमेटली ये कितना आया, 0.3 आवर आया, 0.3 आवर मतलब 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या 18 मिनट आया, है ना, आंसर निकालना है सी, 18 मिनट। ठीक, बोलो आ रहा है समझ में? 52 पढ़ो, कभी ऐसे पढ़े थे क्या तुम लोग पहले कभी, हाँ, कि फॉर्मूले से पढ़े थे, हैं? ठीक है, चलो, अ थीफ इज स्पॉटेड बाय, क्या एक पुलिसकर्मी को 210 मीटर की दूरी से एक चोर दिखाई देता है, जब पुलिसकर्मी ने पीछा करना आरंभ किया तो चोर भी भागने लगा, ठीक है, यदि चोर की चाल कितनी है और पुलिस की कितनी है, अल्टीमेटली 7 किलोमीटर प्रति घंटे का डिफरेंस है, और कितने दूरी तय करनी है, 210 मीटर, 210 को क्या मैं ये 0.21 बोल सकता हूँ, और यहाँ पे 7 किलोमीटर ही रहने देता हूँ, तो क्या ये 0.3 फिर से आवर आ गया, 0.3 आवर आ गया, मतलब क्या हुआ, अच्छा मुझे यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, तो चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तक भाग चुका है, तो अल्टीमेटली मैंने यहाँ पे टाइम निकाल लिया, मतलब कितना आया 18, या 0.3 मिनट ही रहने दो, 0.3 आवर ही रहने दो। अब उसकी स्पीड कितनी है चोर की, 25 है, अरे 25 है भाई, तभी तो पकड़ पाएंगे, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 किलोमीटर में कितना चल रहा है, 25, तो 0.3 में कितना चलेगा, 25 × 0.3। अब ये किलोमीटर में है, इसको मैं किस में कर लूंगा, मीटर में कर लूंगा, क्योंकि आंसर मेरा किस में है चाहिए, मुझे मीटर में चाहिए, 25 दिया 75, मतलब आंसर हो गया 750। ठीक, बोलो हाँ ना, और करें आगे, चलो ये 60वां, ये करो 62वां, 62, एक चोर एक वस्तु चुराता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से वहां से भाग जाता है, एक पुलिसकर्मी 4 मिनट बाद घटना स्थल पर पहुंचता है, बोलो हाँ है ना, और तुरंत चोर का पीछा करना शुरू कर देता है, पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करने के 16 मिनट बाद दोनों के बीच 200 मीटर का अंतर रहता है, तो घटना स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा। ये बात समझ में आई, बोलो हाँ या ना, समझ में आ रही है क्या हो रहा है। अल्टीमेटली ये केस ऐसा बन रहा है, देखो यहां से चोर ने चुराया, कितने किलोमीटर से भागा, 15 किलोमीटर पर आवर से,
तो क्या मैं इसको मीटर पर सेकंड में क्या बोल सकता हूँ, या मीटर पर सेकंड अभी छोड़ो, ठीक है। हमने बोला कि ये 4 मिनट में समथिंग यहाँ पहुंच गया एक्स डिस्टेंस, अब यहाँ पे पुलिस वाला आया, बोलो हाँ या ना। अब पुलिस वाला उसके पीछे भागा, पुलिस वाले की स्पीड दी है क्या? नहीं दी है, लेकिन हमको ये दिया है कि भागने के मतलब यहाँ पे मान लो टी इक्वल्स टू जीरो है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? एक्स है। एक टी इक्वल्स टू 16 पे इन दोनों के बीच का मान लो ये टी इक्वल्स टू 16 पे ये पुलिस वाला आ गया और ये कितना आ गया? ये पुलिस आ गया, ये थीफ आ गया, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? और ये टी इक्वल्स टू किस पे बात कर रहा है? 16 पे। बोलो हाँ या ना भाई। अभी वो 4 मिनट वाली चीज छोड़ दो, अभी इसको मान लो कि ये टी इक्वल्स टू 0 था, बोलो हाँ या ना। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? एक्स था, और 16 मिनट बाद उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? 200 हो गया। ये बात समझ में आई? और ये कितने से भाग रहा है? 15 km/h से, बोलो हाँ या ना। अब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसकी स्पीड मान लो एस है, तो क्या ये डिस्टेंस अल्टीमेटली करना इतना डिस्टेंस कवर है एक्स, या एक्स में से बचा कितना? 200, ठीक है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि भैया उसने एक्स माइनस 200 डिस्टेंस 16 मिनट में कवर किया? बोलो तो स्पीड बराबर क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मैंने क्या किया? एक्स माइनस 200 मीटर में, और यहां पे टाइम कितना है? 16 मिनट है। 16 मिनट को मैं किस में कन्वर्ट कर लूं? सेकंड में कर लेता हूं, है ना, कर लेंगे ना, आखिरी में कवर कर लेंगे, ठीक। तो ये 16 को मैं क्या कर दिया? मिनट में को किस में? क्योंकि यहां पे मैं मीटर में ले रहा हूं, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं इसको सेकंड्स में कर देता हूं। आया समझ में? और ये स्पीड बराबर क्या होगी? क्या ये एस माइनस 15 होगी? भाई तभी तो पुलिस पकड़ पाएगा ना, एस माइनस 15 होगा, बोलो हाँ या ना। ये बात समझ में आ रही है? अब दूसरी चीज ये सोचो कि अगर यहां पे चोर ने जब पकड़ा तब मैंने इसको टी इक्वल्स टू 0 माना, मतलब जब पुलिस वाला यहां आया, लेकिन चोर तो 4 मिनट पहले चोरी कर चुका था, तो वो 4 मिनट में भागा प्लस ये 16 मिनट में कुछ और भागा, और स्पीड उसकी कितनी है? तो अल्टीमेटली 20 मिनट में कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा। अब मान लो अगर 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में 15 चल रहा है, तो 20 मिनट में 1/3 चलेगा, कितना चला? 5 किलोमीटर। मतलब यहां से ये वाला डिस्टेंस कितना है? ये बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। हाँ, अब अगर ये डिस्टेंस 5 किलोमीटर आ गया और मुझे यहां पे क्या निकालना है? मुझे निकालना है क्या? घटना स्थल से कितनी दूरी पर पुलिस कर्मी ने चोर को पकड़ लेगा, ठीक है, चोर को पकड़ लेगा, ठीक है। तो पुलिस वाले ने कितना चला एक्चुअल में से? इसमें से कम कर दो, मतलब 4.8 चला, 200 कम कर दिया, कितने टाइम में चला? 16 टाइम में चला। तो इसकी मैं स्पीड निकाल सकता हूँ, स्पीड बराबर क्या होगी? डिस्टेंस कितना चला? 4.8 किलोमीटर चला, कितने टाइम में चला? 16/60 में चला, मतलब ये 60 ऊपर चला जाएगा, ये जाएगा कितना? 0.3, बोलो हाँ है ना, 0.3। तो क्या ये टाइम मेरा आ गया 18, 16 + 18, ठीक, 6 + 18, आया समझ में? 18 क्या आया? ये था किलोमीटर में और ये था आवर में, तो क्या आवर आया? अरे 18 किलोमीटर पर आवर में आई ना स्पीड, कितनी आई? 18 km/h। अब 18 km/h मतलब ये जो नेट स्पीड है ये कितनी है? 3 की है। तो यहां से मैं x निकाल लूंगा, बोलो हाँ या ना, x निकाल लूंगा, तो ये कुल मिला के ये बनेगा 16 × 60 × 3 बराबर क्या? x माइनस 200, बोलो हाँ या ना। ये सब मैंने यहां पे इसको 16 को मैंने सेकंड में किया है और यहां पे स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, तो यहां पे मेरे को स्पीड वो करनी पड़ेगी किस में? कैसे? स्पीड हमें पूछना है ना, हाँ, तो बस फिर आगे करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो फिर इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, एक ही ऑप्शन से लगा दो। मुझे लगा सिर्फ वो बताना कितनी दूरी के बाद, तो वो दूरी भी निकाल सकते हैं भाई। ये मेरा
उसमें KMPH में, तो इसको मुझे करना होगा तो 15 और 18 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर मैं यहाँ से x निकाल लूँगा और मेरा उससे वो पता चल जाएगा कि ठीक। बोलो आया समझ में, कर लोगे? अब समझ में आ रहा है कि करना कैसे है ना, कोई फॉर्मूला रटने की जब समस्या मतलब ज़रूरत पड़ रही है क्या? स्पोर्ट मतलब बोट और स्ट्रीम में भी सारे यही कंसेप्ट लगेंगे, मैं कल मतलब जब अगली क्लास लगेगी उसमें बताऊंगा कि इसमें कैसे ये रिलेटिव स्पीड से ही हम डायरेक्ट करेंगे विदाउट लर्निंग या विदाउट मगिंग अप एनी फार्मूला। मगिंग अप मतलब रटना, ठीक आया समझ में? ठीक तो जाओ।